डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम के फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे स्कोर कर पाएं 600 प्लस नीट एग्जाम 2020 में। नीट हमारे इंडिया का एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जो हमारे देश में एग्जाम होता है, मेडिकल एंट्रेंस के लिए एग्जाम प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारा COVID-19 के चक्कर में चलते हुए इसकी डेट पोस्टपोन्ड हो गई थी, और अब जो डेट रिलीज होकर आई है वो हमारी 26 जुलाई 2020 है। ठीक है, तो हमारे पास मोर देन 2 मंथ्स हैं कि हम एम्पल अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन से ये हम स्कोर डेफिनेटली लेकर आ सकते हैं। तो इस वीडियो का हमारा एम ही यही है कि हम आपको ये बताएं, मोटिवेट करें कि कैसे ये स्कोर लाना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। नीट का सिलेबस जो हमारा बहुत वास्ट और लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी अपेयर करते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो ये कुछ कारण बन जाता है इस एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाने में। बट अगर हम सही प्रिपरेशन और सही स्ट्रैटेजीज़ के साथ अगर हार्डवर्क करें तो हमारा ये स्कोर अचीव करना इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो पहला स्टेप यही है कि हम अंडरस्टैंड करें कि क्या प्रायोरिटीज़ हैं हमारी सब्जेक्ट वाइज नीट के टॉपिक की, और डिफ़िकल्टी लेवल और वेटेज उस एग्ज़ाम का अकॉर्डिंगली हम अपने लिए सेट करें। तो नीट जो एग्ज़ाम है हमारा, ये 3 सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बायो ऑब्वियसली ये मेन है, फिर हमारा आता है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। ये हमारा टोटल जो रहता है वो कितने क्वेश्चंस आते हैं, हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बायो में पूछे जाते हैं वो 90 होते हैं, और फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इक्वल 45-45। इसी के साथ जो ये इनका स्कोर बनता है, बायो टोटल आपका स्कोर का आएगा 360, फिज़िक्स आपका आता है 180, और सिमिलरली आपको केमिस्ट्री भी 180 आता है, तभी ये जो टोटल स्कोर हमारा बनता है इस एग्ज़ाम का वो है 720। और 600 प्लस तो हमें इसलिए चाहिए ताकि हमारा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो पाए और हम अच्छे से अपने आगे करियर की शुरुआत कर पाए। तो इसके लिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन महीनों में हम अपना फोकस लूज़ ना करें। तो हमारा की प्रिपरेशन हमारी क्या डिमांड करती है, एक गुड प्रिपरेशन क्या डिमांड करती है वो समझें। हम और उसे बेहतर तरीके से प्रेप कर सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाखों बच्चे अपीयर करते हैं, बट आपकी प्रिपरेशन उनसे आउटशाइन कैसे करें ये देखते हैं। तो पहले तो हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी होनी चाहिए ताकि हमारा क्लैरिटी बना रहे हमारे दिमाग में। तो गुड फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देन हमारा आता है एक डिसिप्लिन होना। अब क्योंकि आज इस बार जो एग्ज़ाम जो हमारा कोरोना वायरस के चक्कर में डिले हो गया, तो काफ़ी बच्चे वो डिसिप्लिन लैक कर जाते हैं, बट वही चीज़ हमें गेन करनी है, हमें आउटशाइन करना है दूसरे बच्चों से। तो वो डिसिप्लिन हमें वापस लेकर आना है अपनी लाइफ में। प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है कि एटलीस्ट हम रेगुलर स्टडी पे फोकस कर पाए। तो थर्ड हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम रेगुलर स्टडी करें। एटलीस्ट मतलब एटलीस्ट भी नहीं, अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हो तो 10 आवर्स अ डे तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इस सब को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए गुड फोकस। गुड फोकस और सही डायरेक्शन हमें ज़रूरत है। तो ये हमारा आज के जो हमारा जो डिसिप्लिन रहना चाहिए, ये अगर हम अच्छे से फॉलो करें इन चारों पॉइंट्स को, तो हमारी गुड प्रिपरेशन हमारी प्रोसीड हो सकती है। तो ये तो हमारा जो हमें वर्चुअल हमें पता होना चाहिए कि ये हमें डिमांड करता है। इसके बाद अब हम आते हैं कि पढ़ाई की जब हम बात करें तो हम कैसे उसे फोकस करें। तो पहला जो हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वो है फिज़िक्स। तो जब फिज़िक्स की स्टडी की बात आती है, अब क्योंकि बायो जब बच्चे पढ़ते हैं तो बायो में तो तब भी स्कोर करना कंपैरेटिवली, यहाँ पे फिज़िक्स में बच्चे काफ़ी टफ हो जाता है, तो बच्चे यहाँ पे थोड़े मार्क्स लूज़ कर जाते हैं। तो इसे हम कैसे अच्छे से पढ़ेंगे, तो बुक्स कौन सी फॉलो होनी चाहिए, पहले तो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो हमारे तीनों सब्जेक्ट के लिए इट्स लाइक अ बाइबल, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी हो गई हमारी पहली, और देन हमारी एचसी वर्मा काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है, डीसी पांडे। तो ये कुछ बुक्स हैं जो हमारी पढ़नी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हमारी बुक्स हो गई जो हम अच्छे से फॉलो करें। अगर इसके एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो हमें काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगी, तो हमारा एक चैप्टर की क्लैरिटी सही बन जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देन हर चैप्टर का आप चैप्टर टेस्ट देखें।
ताकि अपनी परफॉर्मेंस को आप खुद एनालाइज कर पाएँ कि कहाँ आप किस चैप्टर में, अगर आप वीक हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। देन फाइनली हमारा आता है कि प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर तो इतने इम्पॉर्टेंट है ना प्रैक्टिस करने के लिए, कि आपको अगर अच्छा किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर करना है ना, तो अपनी प्रिपरेशन के बाद, मतलब सारे कॉन्सेप्ट, सारी थ्योरी पढ़ने के बाद, आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए और आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। यू विल बी डन, मतलब आपका अच्छा स्कोर आना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये हमारा फिजिक्स के लिए जो है इम्पॉर्टेंट टारगेट एरिया होना चाहिए। तो फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हमारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर्मूलाज तो बाय हार्ट होंगे, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में अगर आपको आता हुआ भी न्यूमेरिकल भूल जाता है अगर आप फॉर्मूला में कुछ मिस कर देते हैं। तो टिप्स पे रखिए अपने फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला शीट प्रिपेयर कर लीजिए जो आप रेगुलरली कभी चाय कॉफ़ी पीते हुए आप खुद रिवाइज कर सकें, वो एक होना चाहिए। और एटलीस्ट 15 to 20 मॉडल टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो आप अच्छे से अगर आप एक बार गो थ्रू करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी काफ़ी अच्छा इम्पॉर्टेंट रहेगा। और पास्ट ईयर पेपर्स, यही हमारा गोल है, तो ये हमारी प्रिपरेशन अच्छे से ला सकता है। और जहाँ जिस सब चैप्टर में अगर आपको प्रॉब्लम है उसके, तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे गेन करना बहुत ही आसान रहता है। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और ये जो है हमारा, आपको ये जो बुक्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब काफ़ी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देगी। तो मुझे नहीं लगता इससे बियॉन्ड आपको पढ़ने की ज़रूरत भी होगी, अलॉन्ग विथ चैप्टर टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये तो हमारी बात रही फिजिक्स की। इसके बाद हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे की जाए और स्कोर हमें लाने में कैसे हेल्प होगी। चलिए केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब कई बच्चों को केमिस्ट्री अच्छी लगती है, कई को थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये एक जनरल मैं आइडिया दूंगी आपको कि कैसे केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है। बुक्स सबसे पहले इसके लिए भी एनसीईआरटी, ठीक है। देन इसके बाद आप जो बुक्स कंसिडर कर सकते हैं, बुक्स एनसीईआरटी के साथ साथ जो है आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड याद रखना, केमिस्ट्री में तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, कीवर्ड याद रखना। एंड देन हमारे आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स, दिस विल बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा आपका बन जाता है। इसमें भी हमारे जो पार्ट्स आते हैं, ऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक का जो पार्ट आता है तो उसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है याद करना, रिएक्शन, कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो रिएक्शंस पता होने चाहिए, रिएक्शन नेम्स पता होने चाहिए, कन्वर्जन्स पता होना चाहिए कि कैसे कन्वर्जन्स करने हैं रिएक्शन में, नेम्ड रिएक्शंस पता होने चाहिए। फिर जब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा जो होता है फॉर्मूलास और उनकी एप्लीकेशंस, लॉज, ये सब हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो ये सारी चीज़ें हमें पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो इजी प्रिपरेशन होगी आपकी और कुछ टफ नहीं लगेगा। बट अपना आप एक एरिया पॉइंट बनाते जाएंगे कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं इस वीक का, अगर आपका कंप्लीशन टारगेट है कि ऑर्गेनिक ख़त्म करेंगे, तो कंप्लीट ऑर्गेनिक नोट, अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करिए ताकि आपको खुद याद होना बहुत ईजी हो जाए। और ये हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे कन्वर्जन्स भूल जाते हैं या रिएक्शन नेम, या ये कोई अगर हमें कोई टेस्ट गिवन है तो उसका क्या परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है, तो ये सब याद होना काफ़ी केमिस्ट्री में भी ज़रूरी है। देन लास्ट अब हम आएंगे बायो पे। लास्ट अब जो सबसे ज़्यादा मेन भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि तीनों इक्वली इम्पॉर्टेंट है, पर समर ऑफ क्वेश्चन जो है बायो से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एनसीईआरटी तो इसके लिए काफ़ी रहती है। अब आप इसके बियॉन्ड रेफरेंसेस देखना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। आप अगर देखो अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए इसके लिए भी, क्योंकि ये एक कम्प्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए तो नोट्स और रिमेम्बरेंस, मेमोरी पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। कीवर्ड्स, इसमें भी कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ताकि आप अगर यूज़ कर कीवर्ड से आपको एक याद हो सकता है। तो कई बच्चे कीवर्ड्स बना के भी प्रिपरेशन करते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो तीनों के लिए ही काफ़ी
इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे जब हम बायो की बात करते हैं तो यहाँ डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट भी रोल प्ले करते हैं। डायग्राम, डायग्राम में ए पार्ट क्या चीज़ है ये सब हमें पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अपने नोट्स रिवाइज करिए, ठीक है, रिवाइज योर नोट्स। डायग्राम्स, ये बायो है तो डायग्राम्स तो इन्वॉल्व होंगे, तो वो पता होना बहुत ज़रूरी है। वॉल पे स्टिक कर लीजिए, ऐसा करिए कि जहाँ आप यहाँ पढ़ते हैं वहाँ स्टिक कर लिए, ताकि आप आते जाते उसे देखेंगे तो वो माइंड में हमारा स्टिक हो जाता है, वो मेमोरी में हमेशा याद रहता है। या टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मॉर्फोलॉजी, प्लांट की, एनिमल और प्लांट डाइवर्सिटी, ये सब जो होते हैं ना, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है नीट के लिए। या जेनेटिक्स की बात करते हैं, बायोटेक की बात करते हैं, तो ये मेजर पोर्शन है हमारे नीट एग्ज़ाम में। तो इसी के अलावा टॉपिक्स जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, इकोलॉजी मस्ट बी रिवाइज थॉरली नीट एग्ज़ाम, क्योंकि बायो एक कम्प्लीटली थॉरो चैप्टर है। तो आप अपनी एनसीईआरटी कम्प्लीटली अच्छे से रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यू विल बी हैविंग इनफ। इससे ज़्यादा बियॉन्ड शायद देखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि यू नीड टू सी मोर, तो आप रेफरेंसेज देखिए, प्लीज़ आप आराम से देखिए। सेम चीज़ मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री के लिए भी कहूँगी कि एग्ज़ाम जैसे कि जेई मेन्स है, अगर आप फिज़िक्स केमिस्ट्री के वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं। एडवांस तक के लेवल का तो नीट में नहीं आएगा, पर मेंस तक का आ सकता है, तो मेंस को आप गो थ्रू कर सकते हैं अगर यू हैव टाइम। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है कंप्लीट, तो प्लीज़ आप वहाँ से भी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपको आइडिया लगता जाएगा, तो उस एग्ज़ाम क्लियर करना ईजी हो जाता है। इन सब के बाद जब आप तीनों अब प्रीवियस ईयर पेपर्स, तीनों सब्जेक्ट के और कॉन्सेप्ट थ्योरी सब पढ़ चुके हैं, सब रिवाइज कर चुके हैं तीनों का, देन अपने आप को देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फिर आती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि आप इवैल्यूएट कर पाते हैं अपने आप को टाइम फ्रेम में रखते हुए कि आप कितने टाइम एक क्वेश्चन पे लगा रहे हैं। तो मॉक टेस्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। 3 घंटे का क्वेश्चन अगर पेपर है तो हमें ये देखने में पता रहता है कि कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, हम और हमारी स्पीड कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग की। तो टाइमिंग करना अपने आप को बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जब आपकी सब प्रिपरेशन हो जाए, देन जस्ट आप नॉर्मल मॉक टेस्ट देते जाइए। एवरी डे टारगेट रखिए, अपने आप को टाइम कीजिए कि ये अब मैंने इतने देर में एग्ज़ाम ख़त्म किया है, एंड प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह ट्रीट करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये हमारा वीडियो था कि आप कैसे 600 स्कोर कर पाएं इस नीट एग्ज़ाम 2020 में जो अब कंडक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।